लेके आए इंडिया में। परीक्षा से संबंधित बहुत कुछ आपको इसमें से मिलेगा, उसको पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप स्किप करके चला जाते हैं तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपके घर पे कोई विद्यार्थी है तो आप उसको दिखाइएगा, ठीक है? तो आप पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझना है तो पूरा वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा। हम आपको ये समझाएंगे इसमें कि आपको कैसे परीक्षा में मैप करना है, ठीक, अच्छी तरीके से। थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है? तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको दो बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, इससे संबंधित ये कैसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको मैप पर करने होंगे, मतलब मैप आएगा उसमें आपको मैप पर दर्शाना होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कॉपी पर करने होंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि मानचित्र का उपयोग ना करें, तो वो आपको कॉपी पर करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसमें से कुछ हमने पहले से ही लिख रखे हैं तो वो पहले हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका जो यहाँ पे पड़ता है, यूपी एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है? और इसके ही बगल में क्या पड़ता है, राजस्थान। और फिर आपका जो यहाँ पे गुजरात पड़ता है, और जे महाराष्ट्र पड़ता है, जे कर्नाटक, जे आपका आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये कोची, ठीक है, ये तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, और ये आपका उड़ीसा है, ठीक है? उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, भी हमने लिख दी। भुवनेश्वर भी कभी पूछ देते हैं, उड़ीसा की राजधानी क्या है, चिन्ह सहित दर्शाइए, ठीक है? तो भुवनेश्वर होती है, ये हमने लिखा है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है? और जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपका जो बना हुआ, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है? तो ये आपकी सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम है, और ये आपका भूटान है, ठीक है? और ये आपका नेपाल है, नेपाल की आधी सीमा इसमें दिखाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि नेपाल अभी इसके तो एक प्रकार का ऐसा राज्य है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, ठीक है? नेपाल है, ध्यान रखना इसको, ठीक है? तो नेपाल के बगल में आता है उत्तराखंड, नेपाल के बगल में उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बगल में क्या है, एचपी, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है? और फिर ये ऊपर वाला एरिया जी आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है? और इसके फिर बगल में आता है पंजाब, ठीक है? और ये आपके साइड में ऊपर है चीन, और ये पाकिस्तान। हालांकि इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमें इन राज्यों पर विशेष ध्यान देना है, कौन सा कहाँ पर पड़ता है इसका भी बहुत जरूरी नॉलेज है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता नहीं है ना तो आप वहां पे आप पुट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, कौन सा क्या पूछ रहा है, ठीक है? इस पर बेरी बेरी बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो ये आपका यूपी हो गया जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये आपका एमपी हो गया, ठीक है, आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका कर्नाटक हो गया, ये आपका तमिलनाडु होगा, ये आपका यूपी हो गया, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड है, ठीक है? ये डब्ल्यू बी हो गया मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, ये आपका भूटान हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, और ये आपका बिहार हो गया, ठीक है? अब इससे संबंधित कुछ बातें आपको बताएं। पहली बात, भारत हमारा एक प्रायद्वीप है, मतलब दो तरफ से, मतलब एक तरफ से देशों से घिरा हुआ है जमीन, और एक तरफ पानी से घिरा हुआ है, आधा आधा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें इसके कुछ अंडमान निकोबार, ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं, ये श्रीलंका आपका हिंद महासागर में पड़ता है, और लक्षद्वीप आपका अरब महासागर में पड़ता है, ठीक है? ये तो आपका अदर नॉलेज हो गया। हालांकि इससे अंडमान निकोबार पूछ सकता है, ठीक है, अंडमान निकोबार आ सकता है, ठीक है, ये द्वीप के बारे में पूछा जा सकता है, अंडमान निकोबार, ठीक है? फिर इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, बोलेगा चिन्ह सही समझाइए, या फिर बोलेगा उड़ीसा की राजधानी क्या है। तो उड़ीसा की राजधानी हमें पता है, उड़ीसा जो यहाँ पर है तो उड़ीसा की राजधानी भाई होगी तो उड़ीसा में ही, लेकिन है क्या, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? आपकी भुवनेश्वर है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी, भुवनेश्वर। जैसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा, क्वेश्चन नंबर 3 में आया बताइए उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो आपको इस प्रकार से दर्शाना है। देखिए इसमें डॉट बनाएंगे और डॉट बनाकर रोमन नंबर 3 खींच के क्या लिखेंगे, भुवनेश्वर, ठीक है? तो सबसे पहली बात, आधा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, लिखने का है क्या, और आधा नंबर आपको मिलेगा दर्शाने का कि ये भुवनेश्वर है कहाँ पर, ठीक है? इस बात का आपको नंबर आधे आधे, तब आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है? तो ये तो हो गई उड़ीसा की बात, ठीक है? तो उड़ीसा संबंधित लौह अयस्क भी पूछता है, उड़ीसा की बात पहले उड़ीसा को निपटा ले उसके बाद में आगे देखते हैं, ठीक है? तो उड़ीसा से संबंधित लौह इस्पात भी पूछेगा, लौह इस्पात या लौह अयस्क पूछेगा, तो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा आप लगा सकते हैं, ठीक है?
तो रोमन नंबर थ्री जो भी आप डाल सकते हैं, जितना रोमन नंबर वहां पर क्वेश्चन होगा उस हिसाब से वही आप डालेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, ये बहुत कम नगरीय जनसंख्या वाला देश है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला देश है जो अरुणाचल आता है। अच्छा, अरुणाचल के बारे में एक बात कॉमन है, ये भी ध्यान रखो, अरुणाचल में 2 घंटे पहले यानी कि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में ही होता है, ध्यान रखना, हो सकता है उसने क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी कि सबसे पहले, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ 6 बजे सूर्योदय होता है, तो वहां 4 बजे ही सूर्योदय हो जाएगा, मतलब 2 घंटे पहले ही, ठीक है, सूर्योदय। तो मतलब आप देख सकते हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्योदय वही होता है, सीधे सीधे एक तरीके से, ठीक है। फिर अगला है सिक्किम। तो सिक्किम संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकता है? सिक्किम संबंधित जो क्वेश्चन आएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक। आप जो सोचिए, इतना छोटा सा जो सिक्किम है, इसमें कितने लोग आप आते होंगे, ये भी तो बात है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है? सिक्किम है। तो सिक्किम आपको भूटान के बगल में दिखा ना, मतलब नेपाल भूटान के बगल में यहाँ पे दबा हुआ है सिक्किम, ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पर हम आते हैं बिहार की तरफ, चलते हैं थोड़ा, ठीक है, बिहार की तरफ। अच्छा, बिहार से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, बिहार की राजधानी पूछ सकता है पटना, पटना को चिन्हित कीजिए, ठीक। तो पटना कहाँ पड़ेगी? पटना भाई बिहार में है, ठीक है। या फिर ऐसे बोलेगा कि सबसे कम मानव विकास वाला, सबसे कम मानव विकास वाला तो कौन सा है? बिहार है, ठीक है। फिर यूपी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बोल सकते हैं, मथुरा से क्वेश्चन आ सकता है, अयोध्या से क्वेश्चन आ सकता है, लखनऊ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे गांधी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, अधिवेशन संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ये सब तैयार कर लेना। और जैसे गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी, गोली मारकर हत्या कहाँ की गई थी, ठीक, इलाहाबाद संबंधित, इलाहाबाद नहीं प्रयागराज, अब तो इलाहाबाद लिखने गलती मत करना, इलाहाबाद जहां पर आपको लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है ना इलाहाबाद, तो इलाहाबाद लिखने की गलती मत करना, इलाहाबाद की जगह आप प्रयागराज लिखेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर कानपुर संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, कानपुर आपको विजिट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात, अच्छा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो आपको ऐसे यहाँ पे डॉट बना के आपको दिखाना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। यहाँ पे सूरत के बारे में पूछेगा, तो सूरत आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये आपका सूरत है, ठीक है। महाराष्ट्र का संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में नाभिकीय ऊर्जा के लिए संयंत्र, मतलब नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है, मतलब क्षेत्र कहाँ है? जो महाराष्ट्र के तारापुर में, कहाँ है? तारापुर में, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। फिर कर्नाटक से आपके आ सकते हैं, तमिलनाडु से आपके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो फेमस है वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जैसे छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, सबसे नंबर 1 पर कोयला उत्पादक है छत्तीसगढ़, ध्यान रखो, नंबर 1 पर कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़। और फिर नंबर 2 पे कौन है? झारखंड है, नंबर 2 पे झारखंड है, ठीक है। तो सबसे पहले झारखंड ही था, लेकिन अब झारखंड को चेंज करके कुछ ही दिनों पहले कर दिया गया है छत्तीसगढ़। तो हालांकि इसे याद कर लीजिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये दोनों हैं तो अगल बगल में, ठीक है। तो झारखंड भी कोयला के लिए मशहूर है और छत्तीसगढ़ भी कोयला के लिए मशहूर है। तो नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है और नंबर 2 झारखंड पे है। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, बस आप करेंगे ऐसे। जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जैसे 1907 कांग्रेस विभाजन हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, मतलब ये आपको दिखाना है। तो हमें पता होना चाहिए ये सूरत में हुआ था, और सूरत कहाँ पड़ता है भैया? गुजरात। ये देखिए सूरत है, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे करके, रोमन नंबर 1 का आंसर है, और ये है क्या जी? सूरत है। इस प्रकार से हमें दर्शाना है, ठीक, तब आपका 1 नंबर पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, सभी को पता है इलाहाबाद, लेकिन इलाहाबाद लिखने की गलती मत करना, ठीक। तो होगा प्रयागराज, क्या होगा यहाँ पे? प्रयागराज। तो यहाँ पे रोमन नंबर 2 डालेंगे और लिख देंगे प्रयागराज, क्योंकि क्वेश्चन नंबर डालना भी जरूरी है, पता चले कौन सा आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अलग प्रकार के कैसे क्वेश्चन आएंगे, दूसरे प्रकार के वो आएंगे, जैसे बोला इसने कानपुर नगर आपको दिखाना है, आपको कानपुर नगर दिखाना है, लेकिन उसमें चिन्ह भी दे रखा है कि आपको ये वाला चिन्ह बनाना है,
ये वाला चिन्ह बनाना है या फिर किसी प्रकार का चिन्ह दे रखा होगा, उस चिन्ह को डॉटिंग करते हुए आपको कानपुर नगर दिखाना है। अच्छा, कानपुर पड़ता कहाँ भैया? घर के ऊपर पड़ता है। ये देखो, ये कानपुर है, ठीक है। तो ये कानपुर जो है आपने डॉटिंग करके, जैसे इस प्रकार की डॉटिंग करके हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये भैया कानपुर है। और क्वेश्चन नंबर डालेंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, रोमन नंबर 3 का अगला जो भी हो, ठीक है। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन नंबर है, जैसे पहले ये मान लीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार के सेंटेंस है ना, ये डोटिंग वाले सेंटेंस आ गए, ठीक है, डोटिंग वाले क्वेश्चन आ गए। तो अगला है कोलकाता बंदरगाह, भैया कोलकाता बंदरगाह पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे पड़ेगा आपका कोलकाता बंदरगाह, यहाँ पे डाल देंगे रोमन नंबर 2 जो भी क्वेश्चन हो, तो लिख देंगे यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। लेकिन कोलकाता बंदरगाह एक चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, चिन्ह बोल रहा है कि चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, तो यहाँ पे चिन्ह आपको अपना बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, चिन्ह जो बोलेगा वही चिन्ह आपको बनाना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कोई दो कोयला उत्पादक आपको कोई को कोई दो कोयला उत्पादक आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, कौन सा चिन्ह? देखिए जरा, ये वाला चिन्ह है। इस वाले चिन्ह से हमें कोई दो कोयला उत्पादक क्षेत्र बताने हैं, चिन्ह आपका जी होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ, कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोयला उत्पादक क्षेत्र में बताए थे छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, तो दो बताना है हमको ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह बना देंगे ये वाले, और झारखंड में भी बना देंगे ये वाले चिन्ह, और क्वेश्चन नंबर हम डाल देंगे रोमन नंबर 3, पहला दूसरा जो भी होगा, ठीक है। तो फिर से हम आपको बता रहे हैं, नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, आपको आधा नंबर मिलता है, जैसे उड़ीसा की आपने उड़ीसा के जैसे मान लिया भुवनेश्वर बता दिया, ठीक है, आधा नंबर आपको मिलेगा भुवनेश्वर बताने का, और आधा नंबर आपको मिलेगा भुवनेश्वर को भुवनेश्वर की जगह दिखाने का, मतलब भुवनेश्वर है कहाँ, उड़ीसा में, तो उड़ीसा लोकेशन आपको दिखाने का आधा नंबर, तब आपको एक पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। गैस क्लियर, और कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कुछ करते रहिए, खाली इसे वीडियो देख कर निकल जाते, गलत बात है, ठीक है।